गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपनी ओल्ड साड़ी या ओल्ड फैब्रिक को कन्वर्ट करके बना सकते हैं ब्यूटीफुल सा स्लाइस स्लिट कुर्ती। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडी कट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 4-4 में फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको 4-4 में फोल्ड कर लेना। उसके बाद अपना कोई भी बॉडी इसके ऊपर प्लेस करें और सारी मार्किंग कर लें, जैसे कि नेक, शोल्डर्स, साइड्स, बॉटम और आर्म होल। ये सारी चीज़ें मार्क करने के बाद अब सिंपली इसे सीजर की हेल्प से कट कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सीजर की हेल्प से इसे कट कर लिया है। सीजर की हेल्प से कट कर लेने के बाद आपको सबसे पहले मैंने फ्रंट का लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं वी शेप दूंगी। इस तरीके से मार्किंग करके आपको इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो। और बैक साइड के लिए यहाँ पे मैंने बीच में से पार्टिंग कर ली है। आपको इसी तरीके से पार्टिंग कर लिया और यहाँ पर हुक्स लगा लेना है और बटन्स लगाने ताकि आपको वेयर करने में आसानी हो। उसके बाद आपको इसमें फ्रंट साइड का पेस्ट करके और दोनों शोल्डर्स, आर्म होल और बॉटम और साइड, ये सारी चीज़ें स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद अब सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं स्लीव्स भी लगा रही हूँ और लॉन्ग स्लीव लगा रही हूँ और बीच में स्लिट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसमें स्लीव की भी कटिंग करूँगी, लॉन्ग और बीच में से स्लिट। तो स्लीव की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ये सेम फैब्रिक लिया है, उसे मैं सबसे पहले 4-4 में फोल्ड कर ली हूँ। 4-4 में फोल्ड करने के बाद आपको लेंथ देखनी है। तो यहाँ पे मैंने 21 लिया है। आपको जितनी बड़ी स्लीव्स की लेंथ रखनी है आप रख सकते हो, और भी लॉन्ग रख सकते हो। उसके बाद मैंने साइड से 3 इंच लिया है और इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। और नीचे बॉटम में मैं थोड़ा चौड़ा ही रखी क्योंकि मैं बीच में स्लिट डालने वाली हूँ तो उसमें एक अच्छा लुक आएगा। और उसके बाद ऊपर से मैंने 5 इंच छोड़कर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने आप देख सकते हैं 5 से 6 इंच आपको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको मिडल में भी पार्टिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने मिडल में पार्टिंग कर ली है। उसके बाद अब मैं इसे सिंपली सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की एक डिटेल वीडियो है जो भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको वो चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि स्लीव की कटिंग किस तरीके से की जाती है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिडल में भी पार्टिंग कर लूँगी। मिडल में पार्टिंग करने के बाद यहाँ पे हमारी जो स्लीव की कटिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसे हमें अपनी जो बॉडी है उस पर अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्लीव्स, और उसके बाद अब हम इसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी रॉय जैसे स्लीव में, जैसे कि मिडल और नीचे का, वो आपको हेम कर लेना है और फिर आपको अपनी बॉडी पर अटैच कर लेना है। यहाँ मैंने बॉडी पे आप देख सकते हैं अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो नीचे की बॉडी के लिए, जो नीचे का बॉटम के लिए, उसके लिए हमें मैंने ये येलो फैब्रिक लिया सेम, उसे 4-4 में फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद लेंथ मार्क करूँगी। तो लेंथ आप अपने हिसाब से ले लें। और ऊपर से यहाँ पर मैंने 2 इंच का छोड़ दिया है, उधर से मैं मार्किंग दूँगी क्योंकि वो थोड़ा फोल्डेड फैब्रिक था इसलिए मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद वहाँ से मैंने लेंथ मार्क किया है। लेंथ मार्क के आप देख सकते हैं, आप अपनी हिसाब हाइट के हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने 36 लिया है। आप जितनी आपकी हाइट है आप उस हिसाब से ले लें। और उसके बाद जो आपका कमर का साइड है उसे आपको 1/4 भाग लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है ताकि हम हेमिंग के लिए यूज़ करें। और 1/4 भाग लेकर आपको एक एल लाइन शेप दे देना है। इस तरीके से आप एल लाइन शेप दे के इसे मार्क करके इसे सीजर की हेल्प से कट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है और इसे अब मैं सीजर की हेल्प से कट भी कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजर की हेल्प से कट कर लेने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 फैब्रिक मिलेगा। आपको दोनों भी साइड्स को हेम कर लेना है, नीचे के बॉटम को हेम कर लेना है। उसके बाद मैंने हेम करने के बाद यहाँ पे साइड स्लिट दूंगी। तो मैंने पहले मिडिल पार्टिंग की है और फिर मिडिल पार्टिंग से जो भी 1/4 भाग आता है, मतलब हाफ, उसका लेकर मिडिल पार्टिंग कर लिया, जो साइड स्लिट हमारी हो चुकी है। उसके बाद इसे हम बॉडी पर अटैच कर लेंगे सिंपली। तो जहाँ पे हमने साइड स्लिट किया है वहाँ इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ सीक्वेंस कंधे पर लगा रही हूँ जहाँ से हमने स्लीव में कटिंग की है बस वहाँ तक। और यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर का पैच लगा दिया इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और जो स्लाइस लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मैंने इस तरीके से गोल्डन सीक्वेंस लगा लिया है। और ये लगाने के बाद हमारा ये जो बिल्कुल रेडी है। ये सारी चीज़ें आप स्टिक कर लें ग्लू से या तो फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर लिया है। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। नीचे आप व्हाइट चूड़ीदार या येलो प्लाजो के साथ इसे वेयर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।